गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल स्टडी इंग्लिश ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोयम फायर एंड आइस फ्रॉम योर फर्स्ट प्राइज बुक क्लास 10th, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट अस स्टार्ट द पोयम। Students, this is your poem Fire and Ice. It is also a very sad poem composed by Robert Frost. It is a symbolic poem because the poet has compared the words fire and ice. Fire compared with desire and ice compared with हेट्रेड। यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अदर पीपल हैं उनके ओपिनियन को और अपने ओपिनियन को रिवील किया है कि किस तरह से ये जो वर्ड है इसका एंड जो है किस तरह से होगा। तो पोएट इसमें ये बताना चाह रहा है कि दो चीज़ें हैं जिनके द्वारा इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का क्या होगा, अंत होगा, और वो क्या चीज़ें हैं। तो इसे जानने के लिए हम इस स्टेंजा को जो है रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सबसे पहले यहाँ पर पोएट ये बताते हैं सम से, यानी सम से का मतलब यहाँ पर जो अदर पीपल्स का जो ओपिनियन है उनका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है यानी जो दुनिया है विल एंड, ये इसका अंत हो जाएगा इन फायर, किस में, फायर में। यानी यहाँ फायर का मतलब, फायर को जो पहले ही बताया गया है, फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, फायर सिंबॉलिक डिज़ायर का है। यानी लोगों की जो इच्छाएँ हैं, यानी पीपल्स, यहाँ के जो लोग हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो दुनिया का अंत होगा वो लोगों की डिज़ायर से, यानी लोगों की जो इच्छा होती है, यानी इंसान की असीमित इच्छाएं होती हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इंसान लड़ाई झगड़े करता है, युद्ध करता है, वार्स करता है, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इस प्रकार डिज़ायर से भी क्या होता है, दुनिया का अंत होगा। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का अंत होगा वो आइस, आइस का मतलब यहाँ पर है हेट से, यानी नफ़रत से, यानी लोग एक दूसरे से अपने घर में हो या पड़ोस में हो, लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो दुनिया का अंत होगा वो इंसानों की अपनी नफ़रत से एक दूसरे के प्रति, जो उनके मन में जियलसी होती है, ईर्ष्या होती है, नफ़रत होती है, उसके द्वारा इस दुनिया का क्या होगा, अंत होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अब यहाँ पर पोएट खुद अपने ओपिनियन को रिवील करता है कि व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी मेरा जो टेस्टेड है, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ट का मतलब यहाँ पर स्वाद, लेकिन यहाँ टेस्ट का मतलब उसके विचार से है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी पोएट का जो विचार है वो डिज़ायर, उसका मानना है कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे जो ज़्यादा है वो डिज़ायर है, इंसानों की जो डिज़ायर होती है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनसे जो है इस दुनिया का अंत हो सकता है, होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और कहता है कि मैं उन्हीं लोगों का फेवर करता हूँ, उन्हीं लोगों का साथ देना चाहता हूँ जो फायर के साथ में है, यानी डिज़ायर के साथ में है, लोगों की जो इच्छाएँ होती हैं उनसे इस दुनिया का क्या होगा, अंत होगा। पोएट जो है उन्हीं का जो है फेवर करता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पर पोएट ये बताते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यानी अगर दुनिया का अंत दो बार होना होगा, अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना होगा, पेरिश, पेरिश मतलब होता है डाई, यानी मरना, यानी समाप्त होना, फिनिश। तो अगर इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को दो बार अगर इसको समाप्त होना होगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो पोएट कहता है कि मेरा विचार है
जो हेट है, नफरत है, ये भी क्या है, इनफ है, पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, किस लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी दुनिया के विनाश के लिए जो आइस है यानी इंसान की जो हेट है, नफरत है, इज आल्सो ग्रेट, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रेट टूल है एंड वुड सफाइस, और ये दुनिया का विनाश करने के लिए क्या है, सफाइस है, सफिशियंट है, मीन्स पर्याप्त है। यानी कहने मतलब यह है कि दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दुनिया का क्या होता है, विनाश हो सकता है। एक इंसान की जो डिज़ायर होती है, क्यों, क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर्स होती है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, बेईमानी कर सकता है। उसी तरह जो नफरत है, नफरत इंसान एक दूसरे से जब करता है तब भी क्या होता है, वो दूसरे का और स्वयं का भी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, खुद का ही विनाश करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पोएट्री कहना चाहता है कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, डिज़ायर और आइस, डिज़ायर और जो हेट होता है इंसान का, इन दोनों चीज़ों से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पोएम इज़ फिनिश्ड। आई होप यू विल रीड दिस पोएम केयरफुल्ली। थैंक यू।